ओए ओए ये अंदर वाला है, अपन ज्यादा कुछ कह रहे उसको गन से मार। चिढ़ाता तेरी तो, तू क्या मेरे को हल्के में ले रहा है क्या? हर एपिसोड में मेरे पीछे पुलिस लगती है, चाहे मैं किसी को मारू या ना मारू। एक काम करते हैं, अपन ये लोगों की गाड़ी लेके भाग जाते हैं, मरना चाहे बस गाड़ी लेके भाग। जल्दी बैठ फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन बैठ बैठ। कल वे पानी के अंदर क्या कर रहा साले, मैं तेरे को मारने आया। हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले GTA 5, क्योंकि इस टाइम बाद हम लोग आए हैं GTA में। देखो मेरे पास कंटेंट की कमी हो रही थी, तो इसीलिए मैं GTA में आ गया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। गेम्स के नाम पे मैं अलग अलग गेम्स कुछ भी उठाकर खेलने लग जा रहा हूँ। तो वो बात सारी छोड़ो, हम लोग अभी आज के इस वीडियो के मिशन के बारे में बात करते हैं। तो मेरे को मिशन नहीं पता, मैं सीधी बात बता दूं, मैं मुंह उठाकर चले आया हूं। मेरे को ये भी नहीं मालूम कि हम लोग अभी कौन सा मिशन करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरे को सबसे ज्यादा पास ये लेस्टर का मिशन दिख रहा है, तो हम लोग इसी को करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। हम लोग नजदीक से दूर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। और बाय द वे हम लोगों ने पिछली GTA की वीडियो में जो है हम लोगों का जो फ्रैंकलिन का न्यू हाउस है उसको अनलॉक किया था, और वो वीडियो आज से कई महीने पहले आई थी। भाई महीने हो गए मेरे को GTA 5 खेले, और पहले से मेरे को खेलने आता नहीं, मैं इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट की कमी होगी ना तो ही मैं GTA खेलूंगा, नहीं तो भाई मैं और कुछ खेलने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास अलग अलग गेम्स आते रहते हैं, चाहे वो PC का हो या फिर पेड हो, मैं हर एक गेम खेल डालता हूँ। क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं बहुत चालू इंसान हूँ, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही लेता हूँ हर एक चीज़ का। और अगर तुम लोग भी चाहते हो जुगाड़ लगाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग को जो गेम पसंद आए मेरे को बताओ, मैं वो खेलूंगा भी, और तुम लोगों को बताऊंगा भी कि कैसे तुम लोग खेल सकते हो, चाहे वो PC हो या फिर पैसे वाला गेम हो, मैं हर एक गेम खेल सकता हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोग बस मेरे को बताओ, और मैं तुम लोग को भी बताऊंगा कि कैसे होता है क्या क्या। गाड़ी से निकलो, ये चट्टी बनियान में बैठा है तू, अंदर शर्म नहीं आती तेरे को क्या? बीवी ने मार के भगा दिया, फिर बीवी के पास से ही आ रहा था किसी और की बीवी से, हैं क्या बन रहा था तू साले? चले जाने दे, अपन इसको छोड़ते हैं, अपन अपना काम करते हैं। भाई मेरी सुस्ती अचानक से भगा दिया इसने, ये बंदे ने। ऐसा कौन रहता है भाई कार के अंदर चड्डी पहन के बैठा है? लड़की तो नहीं है भाई इसके बाजू में? नहीं पता चला, मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में लड़की बैठी है। नहीं कोई नहीं, अभी तो फिलहाल खाली है। तो अपन अभी बातें करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आ गए अपने मिशन वाले एरिया के पास। और अभी तो फिलहाल चलते हैं। ओह ये ड्राइवर का लेस्टर का मिशन नहीं है, ये किसी और का मिशन है। ओ अपन स्टार्टिंग में एक कार चुराया था ना जो अपन ने, वो यहीं पर लाया था यही गैराज के पास, और इसका शायद नाम लेमार नाम, शायद ऐसा ही कुछ नाम है इसका, मेरे को नाम तो नहीं पता। तो अभी तो अपन इसका मिशन देखते हैं पहले तो है क्या। ओके तो ये लोग की बड़बड़ चालू हो चुकी है। भाई फोन इतना बेकार क्यों है यार, मतलब गेम इतना अच्छा और फोन इतना बेकार। भाई इंडिया में भी ये फोन नहीं देखने मिलता, अब हम लोग को चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा ना, तो भी कहीं ऐसा टेलीफोन बूथ नहीं मिलेगा जिसमें ये वाला फोन हो। भाई ये मतलब क्या ही तो बोलूँ, गेम इतना अच्छा और फोन इतना बेकार है। तुम लोग तुम्हारी बड़बड़ करो, मैं सुनना नहीं चाहता, तुम लोग क्या पता क्या बोलते हो यार, गले के गले में बात रह जाती है तुम्हारी। ओके तो ये लोग की सारी कहानी सुनने के बाद मुझे पता चला कि एक या दो बंदे, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कितने बंदे हैं, लेकिन हम लोग वो जाके वो लोगों को मारना है क्यों ये नहीं पता, लेकिन मारना है। उसके बाद अपने को अच्छे खासे पैसे देगा, तो मारने में तो अपन लोगों को एक्सपर्ट है यार, एकदम इजीली मार देंगे किसी को भी। अपन डरते थोड़ी ना है किसी से यार, मतलब पुलिस से भी नहीं डरते। अपन मर के जिंदा हो जाते हैं तो अपने को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को मारने में। अपन मर के जिंदा हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सल्लू भाई बन के गाड़ी ठोक के खुद ही मर जाऊँ, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा यार। मैं इतने गेम खेल चुका हूँ GTA में, भाई एक बात नहीं समझ आती मेरा, बस GTA में ही क्यों नहीं जमता मेरे को खेलने में। इतने सारे गेम खेला हूँ, सब बहुत अच्छे से खेलता हूँ, एकदम अच्छे से खेलता हूँ, बस जब GTA में आता ना तो सारी हवा गायब हो जाती है, मतलब गाड़ी चलती ही नहीं मेरे से। मैं कितना भी अच्छे से कंट्रोल करूँ, कितना भी अच्छे से चला लूँ, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी चलाऊँ ना तो भी नहीं चलती यार मेरे से, मैं कितना भी अच्छा चला लूँ मतलब। ओके तो भाई अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही है, जिम क्यों है भाई? जिम वाले बंदे को मारना है, और ये कलवे की बॉडी वॉडी कुछ ना है, और जिम वाले बंदे को मारने भेज दिया क्या? ओए ये अंदर वाला है, अबे इससे लड़ना है मेरे को? ये पागल है क्या? ये मेरे को एक गुस्से में सुलेट देगा। लेकिन अपन कोई बात नहीं, अपन डरते नहीं, अपने पास गन भी है, अपन ज्यादा कुछ कह रहे उसको गन से मार। चिढ़ाता तेरी तो, तू क्या मेरे को हल्के में ले रहा है क्या? भाई मैं इसको मारने का मौका ही नहीं देंगे, अपन इसको यहीं लपेट देंगे, जब तक अपने को दोबारा मारने के लिए आएगा अपन इसको धोट डालेंगे। दूर से ही मारना फ्रैंकलिन, ज्यादा नजदीक नहीं जाना, नहीं तो साला जिम वाला है, कुछ भरोसा नहीं, तेको धो देगा वो। लात मार, ले ले पिछवाड़े पे मार, हाँ बराबर बहुत सही, मतलब ऐसे ही मारते रहने का, मारने का मौका ही नहीं देना है, नॉकआउट हो जाएगा तो अपने को टेंशन नहीं रहेगी, फिर उठ के मारने का टेंशन ही नहीं। मतलब पहले बंदे को तो इजीली मार दिया, लेकिन दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर है, और मेरे को नहीं लगता कि वो इस बार अपने को इतना आसानी से देखेगा, क्योंकि पहला बंदा था तो इसको पता नहीं था कि अपन इसको मारने आए हैं, शायद सेकंड वाले को पता चल जाए कि हम लोग उसको मारने आ रहे हैं। बाकी वो भागेगा तो अपन उसको वैसे भी मार ही देंगे, क्योंकि अपना मिशन है, और गाड़ी की अपनी अच्छी तरीके से वाट लग चुकी है, थोड़ी बहुत लगी है, और बाकी सारी मैंने लगाया हूँ, क्योंकि मुझे चलाने वाला ने कुछ आती नहीं, मैं हर बार मुँह उठा के चलाता हूँ। भाई गाड़ी इतनी अनकंट्रोल हो, अबे अभी तो मैं मार रहा हूँ उसको, तब तो कोई नहीं लगा मेरे पीछे, अचानक से 2 स्टार की पुलिस कहाँ से आ गई भाई मेरे पीछे? ये कोई भी हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा है गेम में। मैं अभी तो यार हर एपिसोड में मेरे पीछे पुलिस लगती है, चाहे मैं किसी को मारू या ना मारू, शांति से अगर रोड में भी चल रहा ना, ये लोग मुझे देख के वो कर देते हैं। भाई किसने ऐसे गद्दारी किया मेरे साथ, किसने बताया लोगों के कि मैं अभी एक बंदे को ठोक के भागा हूं? वो भी इतने टाइम बाद, थोड़ा पहले बता देता यार, मैं गाड़ी पर ध्यान लगा के चलाता, ऐसे जगह पर आकर गाड़ी चल रही है ना, आप क्या बताऊँ मैं, मेरे को यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है।
भाई अगर मैं रोड पे चलता तो गारंटी ये लोग मुझे मार देते। मैं इसीलिए बीच पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर हर तरफ से खुला है। अगर यहाँ से आया तो वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से आया तो यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे फंसने का कोई चांस ही नहीं है। एक तो अपनी गाड़ी इतनी खटारा हो गई है ना, मतलब इसके आगे के टायर खत्म हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है इसके आगे के टायर में। तो अभी तो फिलहाल वो सामने दीवार है, राइट राइट लेफ्ट जो भी होता है वो ले ले। भाई रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहाँ से यार हर तरफ। तो मतलब मैं बीच पे आके कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ यार, हर तरफ से तो बंद ही दिख रहा है मेरे को। तो भाई यहाँ पर अभी अपने से गाड़ी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही, उसके टायर आड़े टेढ़े हो गए, अपने मन से चल रही है मतलब गाड़ी, ओ फंस गई। भाई अब अपने को यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाना पड़ेगा माइकल को और ड्राइवर को, क्योंकि अपन यहाँ पर अभी मरने वाले हैं। अपने पीछे 2 स्टार की पुलिस है। एक काम करते हैं अपन, ये लोगों की गाड़ी लेके भाग जाते हैं, वो सामने से आ रहा है अपनी हेल्प करने। अपनी हेल्थ तो अभी फुल है, लेकिन अपन मरना चाहे बस गाड़ी लेके भाग। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन बैठ बैठ कलवे बैठ बैठ, जल्दी भाग, जल्दी भाग, इसको ले चल इसको। अबे अंदर नहीं लेना है। ओए दरवाजा तोड़ दिया साले, तेरे को बाप की गाड़ी है क्या? मतलब हाँ ये लोग के वही नेता वेता की रहती है जो रहती है भाई। वही मैंने खंबा तोड़ दिया भाई, मैं हर एक चीज़ बस तोड़े जा रहा हूँ गेम में आकर। अभी तो अपन फिलहाल लोग की गाड़ी लेकर के भागते हैं, देखते हैं गाड़ी बहुत लोग की फास्ट चलती है ना, आज ट्राई करते हैं कितनी फास्ट चलती है पुलिस की गाड़ी। आ जाओ आज देख ही लेते हैं कितनी फास्ट चलती है लोगों की गाड़ी। तो अभी तो फिलहाल अपनी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से मैंने फिर से ठोक दिया भाई हर बार बस। ओए पतरा टूट गया, बहुत सही, चलो अपन यहाँ से निकल। बक अट यार निकल सकते हैं बोलने वाला था, इतने में फिर ठुक गई। ओए अभी तो बारिश हो रही थी, अचानक से धूप निकल आई, वो धूप बारिश हो रही है कोई बात नहीं, होती रहती है ये सब। तो अभी तो फिलहाल अपन आगे की तरफ चलते हैं, और मैं यहाँ पर एकदम रॉन्ग साइड चल रहा हूँ। बस सामने अचानक से कोई आना जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है भाई। मेरा तो कुछ नहीं, पुलिस की गाड़ी है, गाड़ी तो उन लोग की लगेगी, जान मेरी जाएगी, लेकिन मेरे को मिशन फेल नहीं करवाना है। अभी तक फेल नहीं हुआ है, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि अपना मिशन फेल हो और अपन अभी उल्टे मेरी गाड़ी फंस गई निकाल दे। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू। मतलब ये लोग अपनी हेल्प कर रहे हैं कि फंसा रहे हैं अपने को, समझ भी नहीं आ रहा है यार। दूसरी बार मेरे को बचाया है लोगों ने, एक बार लोग की गाड़ी लेके भागा और दूसरी बार इसी ने मेरे को गड्ढे में से निकाल दिया। मतलब बहुत अच्छा बचे। ओए तू पानी के अंदर क्या कर रहा है साले? मैं तेको मारने आया हूँ, तू पानी के अंदर नहा रहा है, वहां बैठे पागल है क्या? यहाँ मेरी वाट लगी पड़ी है, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मैं तेको फिर भी मारने आ रहा हूँ, मेरा मिशन पे ध्यान दे रहा हूँ। एक बात नहीं समझ आई भाई, ये मिशन में पैसे मिलेंगे या नहीं? क्योंकि भाई मिशन के बीच में पुलिस अपने पीछे नहीं लगती है, वैसे तो लगती है लेकिन कोई कोई मिशन में लगती है जो बड़ी काम हो। भाई अपन तो यहाँ मतलब मार रहे हैं, और मारने के मिशन में आज तक मेरे पीछे पुलिस नहीं लगी है, ये पहली बार लगी है भाई। मतलब कुछ तो गड़बड़ है मिशन में, ये इलीगल काम तो है ना? वैसे तो अपन इलीगल सारे काम करते हैं क्योंकि अपन डॉन माफिया है भाई। इसके पिच्छू में 2 गोली लगी, एक बार जूम करके दिखाना तो नहीं लगी, चलो जाने दो, मैं झूठ बोल रहा था, पीछे पिच्छू में मेरे को दिखी, कसम से पिच्छू में लगी है, लेकिन पिच्छू में लगी है लेकिन पीठू पे लगी है, पिच्छू में नहीं घुसी उसके, पिच्छू पिच्छू बहुत कर रहा हूँ भाई। अभी सामने की तरफ ये बोट में है, ये बोट में कर क्या रहा है भाई? बोट में ऐसा कौन सा काम? ओ थोड़ा जूम करके देखो वो कर क्या रहा है। ए वापस ले क्या कर रहा है ये, वापस ले भाई। इतना इतना जूम करने की जरूरत नहीं थी यार, कौन था रही है एडिटर? मतलब एकदम ही घुस गया उसके अंदर भाई, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा दिखाएगा? ऐसे मेरे गेमिंग चैनल पे ये सब नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं दिखाने का। वैसे तो मेरे को देखना था थोड़ा और। यहाँ पर इसको पता नहीं एकदम चुपचाप से चल जाते हैं, लड़की है अपनी लड़की। ओए पता कैसे चल गया इसको? एकदम चुपचाप से आया था मैं तो, ये नीचे कूद गया। तू भी नीचे कूद, बाद में पहले लड़की है यहाँ पर। मतलब ए अपन मिशन करने आए, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में लड़की देख लेंगे, पहले पैसा देखते हैं। वैसे तो यहाँ तक कोई वीडियो ही नहीं देख रहा होगा, मैं पैसा लड़की बोल रहा हूँ, यहाँ तक वैसे तो कोई देखा नहीं होगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ से छुप भी रहा हूँ ना, तो किसी को कोई खास पता चलने वाला नहीं है कि मैं कुछ बोला हूँ या फिर आगे कुछ हुआ है या फिर नहीं। तो अभी तो फिलहाल वो बंदा अभी तैर रहा है, मजाक कर रहा है, इतना फटफट जा रहा है यार। मतलब भाग रहा है कि पानी के जमीन के अंदर से भाग रहा है इतना स्पीड? भाई मैं अभी तो तैर रहा हूँ, मैं इतना फास्ट नहीं भाग रहा हूँ, इतना फटफट कैसे पहुँच गया वहाँ पर? भाई मैं एक चीज़ भूल गया था, अपने पास गन भी है, अपन गन से भी मार सकते हैं इसको, तो ये बहुत अच्छी बात है। सीधे से गन निकालते हैं, थोड़ा नज़दीक जाते हैं और ठोक देते हैं गन से, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। वैसे भी अपने को 2-4 गोली लगी है, तो अपन उसको भी 2-4 गोली में टुलका देते हैं भाई। मतलब यहाँ पर भोजपुरी वाले पिक्चर का सीन हो रहा है, ये गाड़ी से भी फास्ट भाग रहा है, मैं कार लेके इसके पीछे लगाऊँ? जब से 2 बार इसकी गाड़ी ठुक चुकी है मेरे को इसके चक्कर में, लेकिन अभी तक ये मेरे पकड़ में नहीं। आ गया आ गया, अरे अरे अरे, इतना फटक से नहीं उतरना था यार, वो फिर से भाग जाएगा। भाई ये मतलब भाग रहा है कि मजाक कर रहा है यार? इतनी तगड़ी बॉडी लेके तू डर रहा है मेरे से? बस मैं गनी तो है मेरे पास, लड़ ले यार। ओए अबे लड़ ले रे मोटे, मतलब बॉडी बिल्डर, लड़ ले थोड़ा सा, मैं गोली मारता हूँ, ट्राई करता हूँ, मेरा निशाना इतना खास तो है नहीं, क्या पता लग जाए एक आध गोली। देखकर तो नहीं लगता भाई, मेरे हिसाब से अब मिशन फेल है, मेरे से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो यहाँ पर जय हिंद जय भारत मिशन यहाँ पर फेल हो चुका है, और मैं आगे खेलने भी नहीं वाला, मिशन फेल हो गया। तो अभी तो अपन एक काम करते हैं, दूसरे कोई मिशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मिशन तो फेल हो गया। मैं मिशन फेल होने से पहले ही चिल्ला रहा था फेल हो गया, क्योंकि नीचे टाइमर लगा हुआ था और मुझे साफ पता चल रहा था कि अब मिशन फेल है, कुछ कर नहीं सकते अपन इतने टाइम में। तो अभी अपन एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं और दूसरा मिशन देखते हैं किसका है।
तो भाई मैप में तो बता रहा है माइकल का भी एक मिशन है जो कि हम लोगों को करना है। मैप की बातें नहीं सुननी चाहिए, मैप कुछ भी बोलता है, लेकिन क्या पता अपने को मिशन हो। वैसे तो फ्रैंकलिन और माइकल बहुत ही कम मिशन में साथ में दिखते हैं, तो अगर इस बार फ्रैंकलिन और माइकल का मिशन होता है तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो देखते हैं अभी इन लोगों का मिशन है या नहीं, पता नहीं कौन सा मिशन है अजीबोगरीब, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई मिशन देखा ही नहीं जिसमें फ्रैंकलिन ऐसा घुसड़ बन के रात के अंधेरे में उसके घर पर पहुँचा हो। सिर्फ एक ही मिशन में पहुँचा था, वो बात अलग है, और मेरे को पता था ये मिशन स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी तो फिलहाल अपने पास और कोई काम धंधा है नहीं, और यहाँ पर जो है अपना माइकल का मिशन है वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी मेरे पास एक बेस्ट वाला आइडिया है, अपन अपने घर चलते हैं, और कोई काम नहीं है अपने पास तो अपन चुपचाप से अपने घर चलते हैं। मैंने तुम लोगों को उस वीडियो में घर दिखाया था अच्छे से, लेकिन अभी मैं उन लोगों को तो ये घर दिखा देता हूँ जो अभी अभी अपने को मिला है नया नया। देखो भाई तुम लोग ये घर काफ़ी ज़्यादा बार देख चुके होगे, लेकिन मेरे पास और कोई दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि फ्रैंकलिन इतना गरीब है कि उसके पास कोई कार है ही नहीं। एक सस्ती सी है, सुपर कार तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक कार है जो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, गैराज में है और अभी तो फिलहाल अंदर की तरफ है। मैं निकालता हूँ तुम लोगों को वो गाड़ी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो बवासीर सी गाड़ी है इसको हटा दे सबसे पहले, ये बार बार अपने बीच में आएगी। और ये रही वो गाड़ी जो कि सुपर कार तो नहीं बोल सकते, हम लोग जब यहाँ ये घर पे आ रहे थे रास्ते में पड़ी मिली थी, मैं उठा लाया, पता नहीं किसकी गाड़ी है ये, मैं चुपचाप उठा लाया, किसी को पता भी नहीं चला। मतलब ये गाड़ी का एक थोड़ा सा लोचा लगता है मेरे को कि कभी कभी ये गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलती नहीं, और कभी कभी अचानक से इतनी स्पीड हो जाती है कि संभाले नहीं जाती। जैसे कि अभी अभी फिलहाल तो चल नहीं रही है, लेकिन कभी कभार ऐसे अचानक से, देखो बोला जैसे हो गई, मतलब ये कभी कभार ऐसे अचानक से इसका रेस बढ़ता है और ये आगे की तरफ पीछे की तरफ होने लग जाती है। मतलब कुछ भी इसका गारंटी नहीं है, ये कभी भी किधर भी जाती रहती है। तो ये भी मतलब आजकल की लड़कियां जैसा गाड़ी है ये, किसकी भी हो जाती है कभी भी, मतलब किसी भी स्पीड में हो जाती है कभी भी। तो अभी फिलहाल मेरे पास और कुछ दिखाने को है नहीं, तो अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है तो मैं तो चला सुट्टा मारने, तुम लोग तुम्हारा देख लेना। तो आई होप तुम लोगों को आज की इस वीडियो में मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।